इसको अभी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लेट्स ऐड पोटैटो एंड ब्रिंजॉल टुगेदर, 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हाई फ्लेम में ही करना है, आपको लो फ्लेम में नहीं पकाना है। अभी 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई करते हैं। हो गया है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड, क्यूमिन, गार्लिक एंड रेड चिली का पेस्ट। मैं इसमें 1 कटोरी क्लोज टू ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोस्तों, आप ये फिश करी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए। ट्रस्ट मी, मैंने तो ये रेसिपी अपने सासू माँ से सीखी है और बहुत ही बढ़िया फिश करी की ये रेसिपी है। इसको अभी हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम में 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसमें हमने मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। ये देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। हम इसमें अभी कटे हुए अरबी ऐड करेंगे, सम ड्रमस्टिक्स, सम ग्रीन चिलीज, इसको बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वाओ, व्हाट अ लवली कलर। इसमें अभी ऐड करेंगे हमारे पास जो फ्राइड फिश है, मैंने इसको नमक हल्दी में डाल अच्छे से मिला के मस्टर्ड ऑयल में इसको फ्राई किया है। अभी हम चलिए इसको इसमें ऐड करते हैं, जल्दी से झटपट से ऐड करते हैं। सूखा आम, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 big spoon मस्टर्ड ऑयल ऊपर से, और इसको अभी मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे 5 से 10 मिनट। वाओ, इट्स रेडी, लेट्स ऐड सम कोरिएंडर एंड इट्स डन। गैस बंद करते हैं, मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ तुरंत से। टंटनांग, हमारी फ़िश करी बनके रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कितने सारे वेजीज ऐड करके ये फ़िश करी बनाई है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, इसको गर्मा गर्म राइस के साथ आप बना के खा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि ऑन अ डेली बेसिस में आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आते रहेंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे आईडीज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले बार एक नए रेसिपी और एक नए ट्विस्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग निकी का खाना खजाना, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।